zombie apocalypse. तो कैसे हो भाई लोग, सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं दीपू, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो पे। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे टाउन वॉल 15 पे इलेक्ट्रो टाइटन 80 पैड्स को कैसे यूज करना है। आप जो भी बोलो भाई, ये स्ट्रैटेजी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो भाई। कोई भी टाउन वॉल 15 का बेस उसको ना आराम से 3 स्टार कर सकते हो। आप लोग लेजेंड लीग पे है तो इस आर्मी को जरूर से ट्राई करना, ठीक है। पहले एफसी क्लैन पे चले जाना, फिर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मेरे पैड्स वगैरह कुछ भी अनलॉक नहीं हुआ है भाई, बस टाउन वॉल 14 का पैड्स है ना। इसलिए जो भी टाउन हॉल 15 पे नया है ना, इस स्ट्रैटेजी को जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। पहले मेरा आर्मी कॉम्बिनेशन को देख लो भाई, 780, 4 इलेक्ट्रो टाइटन, 3 हीलर्स। और स्पेल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 6 बैट स्पेल, 5 फ्री स्पेल, और सीसी पे मैंने लिया है भाई 80 रेज, 1 फ्री स्पेल। तो चलिए भाई, बेसिस के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये बेसिस को देखो भाई, फुल्ली मैक्स आउट टाउन हॉल 15 का बेसिस है। पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, पहले तो आप लोगों को वार्डन वर्क करना पड़ेगा। मेरा प्लान ये था कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वार्डन वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इस साइड का फनल ना क्लियर करना था। जब मेरा इस साइड का फनल कंप्लीट हो गया ना, फिर मैं दूसरी साइड पे फनलिंग के लिए 80 डाल दिया। जब दोनों साइड मेरा फनल कंप्लीट हो गया ना, तब मैं सारे इलेक्ट्रो टाइटन्स, 80 लॉग लॉन्चर, मेरा हीरोज वगैरह सब कुछ डाल दिया। फिर सारे ट्रिप्स भाई सीधा टाउन हॉल के पास चले गए भाई। फिर मैं तुरंत एक रेस्पेल डाल के वार्डन की अपडेट को दे दिया, मुझे टाउन हॉल एंड मोनोलिथ आराम से मिल गया भाई। आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है भाई, आपके पास जो बैट स्पेल है ना, आपको वहाँ पे डालना है जहाँ पे कम डिफेंस वगैरह बचा होगा। जैसे कि हो गया हमारा स्कैटर थ्रोट, हो गया उजटर, हो गया ना, वहाँ पे एक फ्री स्पेल डाल के आपको सारे बैट्स को डाल देना है भाई। बस भाई, आप लोगों को इतना ही करना है। आप लोग जाओ और प्रैक्टिस वगैरह करो, और मुझे कमेंट करके बताओ भाई, इस स्ट्रैटेजी से आपका 3 स्टार हुआ है कि नहीं। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ ना नेक्स्ट वीडियो पे।